बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी ने किनारा कर लिया है सुरेंद्र नाथ सिंह के बयान से। बीजेपी ने किनारा कर लिया है बयान से। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नाराज हैं, संगठन सुरेंद्र नाथ से जवाब मांग सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, जिस तरह से सुरेंद्र नाथ ने बयान दिया और उसके बाद इस बयान से बीजेपी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह नाराज हैं, संगठन सुरेंद्र नाथ से अब इस उनके इस बयान पर जवाब मांग सकता है। तो सुरेंद्र नाथ ने जिस तरह से भरी सभा में राजनीतिक मर्यादा को लांग कर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या कुछ कहा है सुरेंद्र नाथ ने, सबसे पहले चलिए आपको वो सुनाते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अब इस पूरे सुरेंद्र नाथ के इस बयान पर बीजेपी ने किनारा कर लिया है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है बयान को लेकर। सुरेंद्र नाथ सिंह का कल जिस तरीके से बयान दिया था वो निश्चित तौर पर सार्वजनिक तौर पर राजनीति में स्वीकार करने योग्य नहीं है, और खून खराबे की बात करना एक ऐसे नेता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि रहा हो, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता था अगर सुरेंद्र नाथ सिंह के समर्थन में बीजेपी इस बयान को लेकर आती। कार्रवाई जो की जा रही है, प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उसका समर्थन जरूर पार्टी करती है, पर लेकिन जिस तरीके का बयान सुरेंद्र नाथ सिंह ने दिया उसके बीजेपी ने किनारा किया, और पूरे बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने नाराजगी जाहिर की, और पूरे मामले में यह माना जा रहा है कि जल्दी एक नोटिस देकर सुरेंद्र नाथ सिंह से पूरे बयान को लेकर जवाब तलब बीजेपी करेगी। क्योंकि इससे पहले तमाम जो नेता थे, खासकर अगर बात करें आकाश विजय वर्गी की बात हो, साध्वी प्रज्ञा की बात हो, या फिर दूसरे अन्य नेताओं की बात हो, उनके बयान और उनके कामों को लेकर बीजेपी की काफी बदनामी हो चुकी है। लिहाजा इस तरीके के बयान को लेकर बीजेपी अब नेताओं से दूरी बनाने लगी है। ऐसे में जिलाध्यक्ष रहे बीजेपी के और पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र नाथ सिंह का जो बयान था उससे बीजेपी ने पूरी तरह किनारा करते हुए जल्दी उनको नोटिस देने की तैयारी में बीजेपी लग रही है। सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो खून बहेगा सड़कों पर, ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे, और ये खून होगा कमलनाथ का। अब सुरेंद्र नाथ के इस बयान पर बीजेपी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है।